Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 6th of July. So let's start the day with the first important topic and that is Wildlife Crime Control Bureau WCCB. इसको लेकर के कई बार सवाल आता है prelims में, तो आइए इस body को discuss करते हैं कि Wildlife Crime Control Bureau जो है उसने issue किया है red alert. अब red alert किस चीज को लेकर के कि जो authorities हैं जो organized hunting में लगे हुए हैं basically Jim Corbett और राजा जी नेशनल पार्क यानी कि उत्तराखंड का जो रीजन है वहां पर आप देखोगे तो ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम जो है आपको देखने को मिल जाए कि जो वाइल्ड लाइफ है वो किस तरीके से वहां पे कंडक्ट कर रहे हैं. अब इस बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं तो ये एक स्टैट्यूटरी मल्टीडिसिप्लिनरी बॉडी है. स्टैट्यूटरी भी है और मल्टीडिसिप्लिनरी भी है. स्टैट्यूटरी का मतलब है कि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा इसको लाया गया है जो एस्टैब्लिश किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्स. तो मिनिस्ट्री आपको ध्यान रखना है कि एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है वो इसके लिए अकाउंटेबल मतलब मिनिस्ट्री है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका एम, तो ये कॉम्बैट करता है ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम को भारत में. कॉम्बैट करता है ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम को भारत में, ठीक है. चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका सेक्शन वेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से इसको लाया गया है. आप एक्ट का नाम ध्यान रख सकते हैं. ये कलेक्ट करता है इंटेलिजेंस जो भी ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड है और साथ साथ में आप देखोगे तो ये एस्टैब्लिश करता है सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक का. नेक्स्ट ये कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग एजेंसीज जो काम में लगे हुए हैं जो प्रोटेक्शन वगैरह देते हैं. फॉरेन अथॉरिटीज को भी असिस्ट कर सकते हैं और इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी काम करते हैं. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट इज जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल जीएसटैट. इसका टेन्योर वगैरह चर्चा में है तो इसको हम देख लेते हैं कि जो सीजीएसटी एक्ट है वो प्रोवाइड करता है मेंबर्स को टेन्योर टू लास्ट 4 years जहां पे प्रोविजन है 2 साल के एक्सटेंशन का. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये जो अकाउंट है वो सफिशियंट टाइम तक देता है मेंबर्स को कि वो परफॉर्म कर सके अपना ड्यूटीज और इंश्योर कर सके अवेलेबिलिटी सुइटेबल रिप्लेसमेंट्स का. इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो टेंटेटिव कंपोजिशन इसका यहाँ पे एक प्रिंसिपल बेंच है जो न्यू दिल्ली में है और कई सारे बेंचेस हैं अलग अलग राज्यों में जो डिसाइड किया जाता है उस राज्य के द्वारा सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द काउंसिल. बेंचेस जो है वहाँ पे एक जुडिशियल मेंबर होगा, एक टेक्निकल मेंबर होगा और एक टेक्निकल मेंबर राज्य के द्वारा, एक सेंटर के द्वारा, एक राज्य के द्वारा. ये सर्च कम सिलेक्शन कमिटी जो है वो होना चाहिए जो टेक्निकल मतलब मेंबर है उनके साथ में हेड करेंगे जिसको चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट के. चलिए जीएसटैट जो है वो फर्स्ट जॉइंट फोरम है जहां पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस की बात करी जाती है. जो भी जीएसटी लॉस हैं सेंट्रल और स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर और स्टेट जो है उनके पास में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा. अब ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि ये फर्स्ट जॉइंट फोरम था जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को लेकर के है सभी जीएसटी लॉस के लिए. साथ साथ में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट दैट इज कैंटोनमेंट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन. इसका कंपोजिशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखो कि ये कंसिस्ट करता है पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स. ये भी बॉडी चर्चा में है, पॉलिटिक है, स्टैटिक है कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं. जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, इलेक्टेड वाले 5 साल के लिए, और जो नॉमिनेटेड हैं वो कंटिन्यू करते हैं एज दे होल्ड द ऑफिस इन दैट स्टेशन. जब तक वो उस स्टेशन में होंगे पोस्टेड तब तक वो उस ऑफिस पे रहेंगे. इलेक्टेड वाले 5 साल, नॉमिनेटेड वाले जब तक हैं तब तक के लिए. जो मिलिट्री ऑफिसर है कमांडिंग वो एक ऑफिशियल प्रेसिडेंट होगा उस बोर्ड का, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट जो है बोर्ड के वो इलेक्ट किए जाएंगे इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा. तो देखिए मिलिट्री ऑफिसर जो कमांडिंग होंगे उस स्टेशन के वो एक ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, मतलब उस स्टेशन के कमांडिंग मिलिट्री ऑफिसर प्रेसिडेंट होंगे. लेकिन आप देखोगे वाइस प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो उसको चुना जाएगा इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा. तो स्टेटमेंट बेस्ड में होता है, आपको ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है, ठीक है. या पॉइंट्स आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो कैंटोनमेंट बोर्ड होता क्या है. दरअसल तो ये किया जाता है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सिविलियन पॉपुलेशन के लिए जो भी कैंटोनमेंट एरिया में है, यानी कि आप देखो कि छावनी, मिलिट्री छावनी, इसको सेटअप किया गया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कैंटोनमेंट एक्ट 2006 का, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लॉ लाता है. ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है डिफेंस मिनिस्ट्री के और कैंटोनमेंट बोर्ड जो है उसको बनाया गया है सेंटर मतलब गवर्नमेंट के द्वारा. कैंटोनमेंट्स बेसिकली हमने देख लिया कि भारत में परमानेंट मिलिट्री स्टेशन हैं जहां पे ग्रुप ऑफ मिलिट्री पर्सोनल जो है वो स्टेशन किए गए हैं. नेक्स्ट यहां पे हम बात कर लेते हैं, ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि जो लैंसडाउन के कैंटोनमेंट है उन्होंने पास किया एक रिजोल्यूशन नाम बदलने के लिए, खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं था, जो था वो हमने देख लिया है. चलिए नेक्स्ट जो है दैट इज पॉपुलेशन सेंसस, इसकी बात कर लेते हैं. तो पॉपुलेशन सेंसस जो है वो भी चर्चा में है, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि फर्स्ट और लास्ट पॉपुलेशन सेंसस जो है उस चीज में. तो बेसिकली पॉपुलेशन सेंसस जो है प्रोवाइड करता है बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर के, वहां का डेमोग्राफी, वहां का कल्चर, वहां का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो लोकल, रीजनल और नेशनल लेवल पे है. और ये जो डेटा कलेक्ट किया जाता है सेंसस के द्वारा उसका इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्लानिंग के लिए और पॉलिसी मेकिंग के लिए किया जाता है और ये हर 10 साल पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है.
और इसको कंडक्ट कौन करता है, तो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि कौन कंडक्ट करता है, रजिस्ट्रार जनरल का जो ऑफिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में लाई करता है, वो इसको कंडक्ट करते हैं। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि बेसिकली जो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल है उन्होंने ऑर्डर एक इशू किया है कि डेटा को, मतलब जो डेट है उसको फ्रीज कर दिया जाए, मतलब जो एक्सटेंड किया गया है। दरअसल डिलिमिटेशन कमीशन ने इसको एक्सटेंड करने से 2026 तक के लिए रोका है बाय 84th अमेंडमेंट एक्ट, कि जो 1971 का सेंसस है उसी का सीट का स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसी चीज को लेकर के यहां पे चर्चा में है और अभी तक सेंसस हुआ भी नहीं है, अगर आप ध्यान देंगे तो, जो कि हो जाना चाहिए था। अब हम फर्स्ट एंड लास्ट सेंसस की बात कर लेते हैं। तो भारत में जो सेंसस है वो पहली बार स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश वाइसरॉय जब लॉर्ड मायो थे 1872 में, और जो कंप्लीट सेंसस है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे। और बाद में आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि फरवरी में हुआ है फिर 2011 का, और वही डेटा हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट सेंसस 2021 का जो है वो पोस्टपोन किया गया है कोविड-19 पैंडेमिक के समय से ही, और अभी तक इसको मतलब पोस्टपोन ही किया गया है। ठीक है, साथ साथ हम बात कर लेते हैं इसका एडवांटेज का। तो पॉपुलेशन सेंसस होने से क्या है कि आपके पास डेटा होता है कि इस हिसाब से मतलब जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो भी मतलब है वो रिप्रेजेंट हो रहा है कि नहीं, और फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनका डिमार्केशन सही है या नहीं है, जो एलोकेशन हुआ है गवर्निंग बॉडीज का वो सही है या नहीं है, और इसी के साथ साथ में साइंटिफिक एनालिसिस वगैरह भी किया जाता है और प्लानिंग कमीशन जो है वो यूटिलाइज करता है उसके ग्रोथ वगैरह के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके लीगैलिटी का। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है भारत में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेंसस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है, मतलब कि संविधान कहता है कि होना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन सेंसस जो है वो एक यूनियन सब्जेक्ट है अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनियन सब्जेक्ट है, मतलब जो 7th शेड्यूल है जिसमें तीन लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें आर्टिकल 246 में ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है और ये लिस्टेड है सीरियल नंबर 7th शेड्यूल, वो आपने देख लिया। सेंसस जो है भारत में वो कंडक्ट होता है सेंसस एक्ट 1948 से, आपको देखने को मिल जाएगा कि एनएक्टेड हुआ था 1948 में। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारा जो टॉपिक है दैट इज डार्क पैटर्न्स। तो डार्क पैटर्न्स चर्चा में क्यों है, तो जो यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इशू करेंगे स्पेसिफिक गाइडलाइन ताकि वो कंट्रोल कर सके डार्क पैटर्न्स मिसलीडिंग एड्स का। डार्क पैटर्न्स है क्या, तो ये एक यूजर इंटरफेस है जो कि क्राफ्ट किया गया है यूजर्स को ट्रिक करने के लिए कि वो चॉइसेस ले सके जो कि डेट्रीमेंटल हो उनके इंटरेस्ट के लिए, मतलब आपको इस प्रकार से मतलब बेवकूफ बनाना कि मतलब आपको वो सामान बेचा जाए जो नुकसानदायक भी हो और वो बेवकूफ बना के बेचा जाए, मतलब जाल में। इस तरीके से आप देख सकते हो कि डार्क पैटर्न्स को कॉइन किया गया था हैरी ब्रिगनल के द्वारा इन 2010। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अर्जेंसी दिखाया जाएगा, ये टैक्टिक इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर बनाने के लिए कंज्यूमर को कि आप एक्शन लो वरना ये अर्जेंट है। दूसरा है बास्केट स्निकिंग, तो ये वो वेबसाइट से ऐप्स हैं जो डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, एडिशनल प्रोडक्ट्स को शॉपिंग कार्ट में वो डाल देंगे बगैर आपके कंसेंट के, बास्केट स्निकिंग। ठीक है, इसी के साथ साथ में कंफर्म शेमिंग, तो ये क्रिटिसाइज या अटैक करते हैं कंज्यूमर्स को कि वो मतलब कंफर्म नहीं करते हैं पर्टिकुलर बिलीफ को या फिर व्यू पॉइंट को, मानते नहीं उसको लेकर के। और साथ साथ आप देखोगे चौथा तो फोर्स्ड एक्शन, ये इन्वॉल्व करता है कंज्यूमर्स को कि मतलब वो कहीं ना कहीं मतलब अगर वो नहीं साइन अप करते हैं किसी सर्विस के लिए तो फिर वो ऑर्डर मतलब एक्सेस कर देता है खुद से ही। ठीक है, बाद में आप प्रॉब्लम्स देखोगे तो कंफर्म मतलब यूजर्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं और इसे ऑब्स्टेकल्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ पे अनवांटेड सर्विसेज भी आपको देखने को मिल जाएंगी और ये जो एक्सपीरियंस है वो भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कंज्यूमर के राइट्स के लिए। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था फॉर 6th of July। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और हेल्पफुल हो तो शेयर भी करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।